नगर निगम भिलाई द्वारा तत्कालीन साड़ा के समय से बने लोगो मोनो के बदलने रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके लिए इच्छुक प्रतिभागी 28 फरवरी तक निगम के ईमेल पर अपना लोगो मोनो प्रेषित कर सकते हैं। भेजे गए लोगो मोनो का चयन ज्यूरी मेंबरों द्वारा किया जाएगा। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने महापौर परिषद के सदस्यों के साथ शुक्रवार को पत्रकार वार्ता ली। पत्र वार्ता में महापौर नीरज पाल ने बताया कि तत्कालीन साड़ा के समय से प्रचलित लोगो मोनो का उपयोग नगर पालिक निगम भिलाई के गठन के बाद भी किया जा रहा है। महापौर नीरज पाल ने बताया कि ऐसा लोगो मोनो जो कि भिलाई की पहचान को परिलक्षित करता हो और जिसे देखते हुए आसानी से समझा जा सके कि यह भिलाई निगम का लोगो मोनो है, इसी उद्देश्य के साथ भिलाई नगर निगम के नए लोगो मोनो के सृजन की आवश्यकता को देखते हुए इसकी पूर्ण रूपरेखा तैयार की गई है। इसकी जानकारी महापौर नीरज पाल ने दी। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि लोगो किसी भी संस्था की एक पहचान होती है, और अगर वो पहचान अगर जब तक के खुद की ना हो तो उसका कोई वो नहीं होता, वजूद नहीं होता। तो पिछले समय से जो साड़ा का जो मोनो चल रहा था वो वही कंटिन्यू था, उसको नगर निगम में हम लोग ये चाहते हैं नगर निगम भिलाई का एक मोनो बने। उसके लिए हम लोगों ने पूरे नगर निगम क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसमें सबकी भावना जुड़ जाए, सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, इसलिए हम लोगों ने हमारी महापौर परिषद ने खुले रूप से एक सबसे सुझाव मंगाया है, एक डिज़ाइन मंगाया है, और उसके लिए एक जिम्मेदार लोगों की एक कमेटी रहेगी जो 28 फरवरी तक के इसमें जो आज मैंने आपको जो कुछ नियम शर्तों के प्रेस नोट दिए हैं वो उसको पालन करते हुए जो लोग इसमें भाग लेंगे उसका 28 तारीख के बाद एक शहर के जिम्मेदार जो अधिकारी जिम्मेदार नागरिक हैं उनकी एक समिति बना के इस मोनो का सिलेक्शन किया जाएगा, और जिसका सेलेक्ट होगा उसको प्रोत्साहन के रूप में उसका सम्मान भी किया जाएगा और प्रोत्साहन के रूप में कुछ राशि दी जाएगी, जो वो भी राशि जो है किसी एनजीओ या किसी संस्था के माध्यम से उसको दिलाई जाएगी। बहरहाल लोगो मोनो का निर्माण मापदंडों को पूरा करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इच्छुक प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपना लोगो मोनो निगम के अधिकृत ईमेल पर प्रेषित कर सकते हैं, जिसका चयन ज्यूरी मेंबरों द्वारा किया जाएगा। 10 मार्च तक ज्यूरी मेंबर अंतिम निर्णय कर निगम को अवगत कराएंगे, जिसके बाद विभागीय प्रक्रिया अपनाकर नए लोगो मोनो का सृजन किया जाएगा। प्रथम स्थान पर रहे प्रतिभागी को 51,000 रुपये इच्छुक संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।